जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त सवार शुक्ला। ये देश के गुरु हैं, देश के भविष्य हैं और हाथों में जो तस्वीर पकड़ी ली वो देश के नायक। हम पहले दिखाते हैं, पहले हम तारुफ करवाते हैं इन चेहरों से और इन तस्वीरों से। और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में ये ऐसी तस्वीरें आज के भारत के भविष्य के हाथों में हो तो मैं समझता हूँ कि भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं गांधी बापू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और विवेकानंद जी हैं और आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो ये सारी शिक्षा है और ये गुरु हैं। हम इनसे बात करेंगे। हम अब पहुँचे हैं सरस्वती कॉलेज। तो सरस्वती कॉलेज का मतलब तो आपको मालूम ही है, जहाँ पे सरस्वती कॉलेज हो तो वहाँ पे सरस्वती तो मिलेगी ही। पहले हम नाम से तारुफ कर, क्या नाम है आपका बेटा? तमन्ना। आपकी तमन्ना क्या है? टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स। तमन्ना और क्या है ज़िंदगी में? और आपकी हसरत क्या है? आपने अब क्या बनना है? टीचर। टीचर। तमन्ना का अर्थ क्या होता है? इच्छा। तो आपकी इच्छा क्या है? टीचर बनना। तो ये तो पूछा था। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू का जन्म याद है? नहीं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलिए बताइए, आपका 14 नवंबर आने वाला है, चिल्ड्रन डे है। चलिए मुस्कुराते हुए आपने भविष्य की, आपने यहाँ पे जो तालीम हासिल की सरस्वती कॉलेज में, दो टूक शब्दों में बता दें क्या कहना चाहेंगे आप? वेल, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, यहाँ पे सरस्वती कॉलेज में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने यहाँ से बीएड की है बेसिकली, सो लाइक क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। तो बच्चों को जो आपने यहाँ पे 2 साल या 3 साल, 2 साल में जो आपने सीखा, तो आगे जाके आप बच्चों को बताएंगे, देश के भविष्य को बताएंगी। तो तमन्ना क्या है आपकी? देश के भविष्य को कैसा तैयार करना है आपने, बताइए। बच्चा शर्मा रही है और सबसे बड़ी बात है कि शब्द इसलिए ना क्योंकि खुशी है। और लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू तो नहीं खाए आप लोगों ने? लड्डू फूट रहे हैं, खाए हैं सर, खाए लड्डू। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि देश को बढ़ाओ, देश तभी बढ़ सकता है जब शिक्षित समाज हो। तो शिक्षा का जो आधार आपने सरस्वती कॉलेज में पाया और विराट देवगन जी और इनकी टीम के साथ जो आपको मिला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और इस कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, एक्सपीरियंस की बात करें, बहुत अच्छा था। हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा थ्रू बीएड कि हम एज अ टीचर कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो है वो नेशन, वो हम बिल्डर हैं। टीचर माना जाता है कि स्टूडेंट नेशन बिल्डर हैं, राइट, कि हम नेशन को राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और विवेकानंद जी ने भी यही कहा है, राष्ट्र का निर्माण तभी सक्षम है जब शिक्षा मजबूत हो। नाम क्या है आपका? अलीशा। अलीशा जी, तो आज कोई बात नहीं अलीशा जी, आप अच्छे अच्छे विचार लेके आए, आगे आइएगा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिता। अरे तो वाह। तो विवेकानंद जी कह गए थे कि स्त्रियों को, बेटियों के शिक्षा पे उन्होंने जहाँ जोर दिया वहाँ ईमानदार भारत की पे उन्होंने भाषण दिया, शिकागो में भाषण दिया था। तो भाषण का मतलब ये है कि जो शिक्षा आपने यहाँ पर ग्रहण किया आगे आप बढ़ाएँ। तो सरस्वती कॉलेज के बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी एक्सपीरियंस हमने 2 इयर्स में यहाँ पे जो भी सीखा है, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने काफ़ी कुछ अंदर अपने इनबिल्ट हुआ है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज़ हुआ है, इंटरेक्टिविटी बढ़ी है, टीचर्स की काफ़ी हेल्प रही है, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आगे क्या क्या प्लान है फिर? आप कहीं कोचिंग करेंगी और कहीं पढ़ाएंगी आप? यस, आगे प्लान है कि हम आगे बाहर जाने का प्लान तो नहीं है? बाहर जाने का प्लान तो नहीं है? विदेश? डिपेंड ऑन लक। अच्छा, किस्मत हो तो बाहर जाने का ऐसा प्लान है, तो ये किस्मत की धनी है। तो हम आगे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? शालू। वाह जी, शालू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके हाथ में पकड़ा है, आपको आज सभी को सम्मान मिला है ये, और यहाँ से सरस्वती कॉलेज से सम्मान है। और मुँह में लड्डू फूट ही रहे, लड्डू भी खाए आपने मोतीचूर के। तो ये बताइए क्या यहाँ पे आपने 2 सालों में क्या क्या आपने सीखा और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक तो एजुकेशन होता है कि एजुकेटेड होना, पर मेरा एजुकेशन का मीनिंग है कि उसके थोरो नॉलेज करना और करियर में वो परस्यू करना, अपने आप को उस काबिल बनाना कि उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको हम गुरुजी भी कहते हैं, उन्होंने शांति निकेतन ऐसे एस्टैब्लिश किया था। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने देश के जो भी हैं चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एक ऐसा कोई, शांति निकेतन तो नहीं इतने बड़े लेवल का, कुछ छोटा सा ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँ जिसमें चिल्ड्रन की अपलिफ्टमेंट हो, वो भी विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर, इस सबसे अलग, और बच्चों को थॉरली स्टडी मिले जिसमें उनको सिर्फ डिग्री नहीं लेना, उनको अपनी लाइफ में, अपने करेक्टर में वो इम्प्लीमेंट करना है। विराट जी ने कहीं सरस्वती कॉलेज में ये आपके अपने अपने विचारों को देखते हुए तो नई शील्डें बनवाई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसा विवेकानंद, अच्छा चलिए, अब हम सीधे विराट देवगन जी से बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे सर ये जो आयोजन है और आज आपने जो यहाँ पे बच्चों को सम्मान दिया, भविष्य के गुरु और देश भविष्य बनाने वाले गुरु, तो आज इन लोगों को आपने 2 साल कड़ी मेहनत की, इनके जो बोल हैं वो आपके सरस्वती कॉलेज के लिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज से 20 साल पहले सरस्वती एजुकेशन ग्रुप को हमने शुरू किया था। सो तब से लेके डिफरेंट क्लासेस में जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका हम हर साल इसी तरीके से ऑनर करते हैं। तो टीचिंग ट्रेनिंग के जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं वो तो शुरू से ही हम चला रहे हैं, तो इस तरीके से उनको अच्छी स्किल्ड एजुकेशन दी जाती है ताकि ये टीचर, जैसे कि पहले भी बताया बच्चों ने, कि यही हमारे भविष्य निर्माता हैं, भारत के निर्माता यही हैं। इनके स्किल्स अच्छे होंगे, इनकी टीचिंग अच्छी होगी, इनकी नॉलेज अच्छी होगी, तभी ये आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। तो यही हमारा ड्रीम है कि एक सक्षम भारत बने, शिक्षित भारत बने, उसके निर्माण के लिए जितना हमारे से योगदान दिया जाएगा हम डेफिनेटली देंगे। तो कम शब्दों में विराट देवगन जी ने सरस्वती कॉलेज के बारे में और इनके जो प्लान है और इनकी जो मजबूती है और इनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में उन्होंने बताया, और जिस तरह से देश का भविष्य यहाँ पे तैयार किया जाता है, संस्कारों के साथ तैयार किया जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस तरह उनके हाथों में जो सम्मान पत्र थे वो कम से कम देश के नायकों के थे, और देश के भविष्य को तैयार करने वाला सरस्वती कॉलेज एक अनूठा ऐसा कॉलेज है जो देशभक्ति के संस्कार भी सिखाता है और देशभक्ति की क्लासें भी लेता है। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट भगत के साथ सवार शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।